हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 32.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है, 75% स्थितियों में ए सत्य बोलता है तथा बी 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। कितने प्रतिशत स्थितियों में एक ही तथ्य का कहने में वे असहमत होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक सत्य बोले तो दूसरा असत्य हो जाएगा, दूसरा उसको असत्य कहेगा, और अगर पहला असत्य करे तो दूसरा उसको सत्य कहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें उसकी प्रायिकता निकालनी। तो हम लोग यहाँ पर ए घटना ले रहे हैं, यहाँ पर ए का सत्य बोलना, सत्य बोलना, और दूसरा घटना बी ले लेते हैं, उसको कह देते हैं बी का सत्य बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी प्रायिकता दी हुई है, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 75% है, यानी कि 75/100 कट के हो जाएगा 3/4। ठीक है, और बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 80% है, यानी कि हो जाएगा 80/100 कट जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं ए के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता क्या हुई। तो 1 - सत्य बोलने की प्रायिकता, यानी 1 - 3/4, यानी 1/4 आ जाएगा। और बी के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता 1 - बी का सत्य बोलने की प्रायिकता 1 - 4/5, यानी 1/5 आ जाएगा। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, तो हम लोग ऐसा प्रायिकता निकालेंगे कि एक ही तथ्य का, तथ्य को कहने में वे असहमत हैं, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ए सत्य बोलता है तो यहाँ बी सत्य नहीं बोलेगा, अगर ए सत्य नहीं बोलता है तो बी सत्य बोलता है ना जी। चलिए, तो यहाँ पर इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए 3/4 × 1/5 प्लस में आपका हो जाएगा 1/4 × 4/5। चलिए आगे देखते हैं, 3/20 और प्लस में 4/20, यानी 7/20 इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दो व्यक्ति ए और बी एक पासे को बारी बारी से उछालते हैं जब तक कि उनमें से कोई एक 3 प्राप्त कर खेल नहीं जीत जाता है। उनके जीतने की क्रमशः प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, इनके जीतने की प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए हमें ए, मान लेते हैं कि ए जो है जीत जाता है ना जी, ए जीत जाता है, उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं और फिर हम लोग बी के जीतने की प्रायिकता की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लीजिए, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो क्या होगा, 3 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि 3 एक ही बार आएगा और टोटल परिणाम 6 होंगे। और 3 प्राप्त नहीं होना इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 5/6, क्योंकि 3 को छोड़ के बाकी कोई भी 5 में से अंक आ सकते हैं, तो 5/6 इसकी प्रायिकता। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए जीत जाता है, इसकी प्रायिकता, ए का जीतना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। अब मान लो बारी बारी से उछाला जाता है, तो मान लो पहली बार ए फेंक रहा है और उसे 3 प्राप्त हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। अच्छा, ए फेंका लेकिन उसका 3 नहीं आया, तो 3 नहीं आया तो 3 नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता 5/6। तो अब जब ए फेंक लिया तो अब कौन फेंकेगा, बी फेंकेगा, बारी बारी से फेंकना है तो बी फेंकेगा, और बी भी 3 नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हम लोग ए की जीतने की बात कर रहे हैं, तो बी भी 3 प्राप्त नहीं करेगा, तो उसकी प्रायिकता 5/6। अच्छा, अब फिर अब ए की बारी आएगी और ए 3 प्राप्त कर लेता है, तो इसकी प्रायिकता 1/6। चलिए, अच्छा अब देखिए, फिर मान लेते हैं पहली बार में फेंका है ए और नहीं उसे 3 प्राप्त होता है, तो इसकी प्रायिकता 5/6। फिर बी फेंकता है, उसको भी 3 प्राप्त नहीं होता है, 5/6। फिर ए फेंकता है और उसको फिर से 3 प्राप्त नहीं होता है, तो 5/6। फिर हम लोग देख रहे हैं बी फेंकेगा तो उसका 3 प्राप्त नहीं होने की 5/6, क्योंकि हमें ए को ही जिताना है ना जी यहाँ पे। तो फिर अब की बार मान लेते हैं कि इस बार में
ए फेंकता है और जीत जाता है, तीन प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी प्रायिकता एक बटा छः। इसी तरह से इन्फिनिटी तक चलेंगे ना, क्योंकि ये नहीं कह रहा कितनी बार उछाला जाता है। एक बटा छः यहाँ से बाहर निकाल लो, यहाँ एक प्लस पांच बटा छः का स्क्वायर प्लस पांच बटा छः का पावर चार प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जीपी में है, और जीपी में इन्फिनिटी पदों के योग के लिए होता है ए बाई में वन माइनस आर। तो यहाँ वन बाई सिक्स और इंटू में ए की जगह वन है और बाई में वन माइनस आर का वैल्यू, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे यानी कि पांच बट्टा में छः का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एक बट्टा में छः और इंटू एक बट्टा में नीचे एक माइनस का पच्चीस और बट्टा में छत्तीस। चलिए नीचे एलसीएम ले लेंगे, एक बट्टा में छः इंटू में एक बट्टा में नीचे छत्तीस एलसीएम होगा, छत्तीस माइनस का पच्चीस यानी कि हो जाएगा एक बट्टा छः गुना में ऊपर चला जाएगा छत्तीस और नीचे ये घटा देंगे तो ग्यारह छचा के छत्तीस, छः बट्टा में ग्यारह, ए के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो ए के जीतने की प्रायिकता, ए का जीतना इसकी प्रायिकता दिया हुआ है छः बट्टा में ग्यारह हो गया। और अगर हम लोग बी के जीतना, बी जीत जाता है इसका प्रायिकता निकालें, तो एक में से छः बट्टा ग्यारह घटा देंगे, पाँच बट्टा ग्यारह आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन में देखिए 18 में क्या कह रहा है कि एक थैले में चार लाल पांच काली गेंद तथा एक दूसरे थैले में तीन लाल और सात काली गेंद हैं। पहले थैले से एक गेंद तथा दूसरे थैले से दो गेंद निकाली जाते हैं, निकाले गए तीन गेंदों में से दो काली और एक लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब इसमें समझ लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो लिख रहा है कि कह रहा है कि एक थैले में चार लाल तथा पांच काली गेंदे हैं तथा एक दूसरे थैले में तीन लाल तथा सात काली गेंदे हैं। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि दो काली तथा एक लाल गेंद होने की। तो इसके लिए यहां कंडीशन दिया हुआ है पहले कि पहले थैले में से एक गेंद निकालना है और दूसरे में से दो गेंद निकालना है। ठीक है, जबकि दो काली होनी चाहिए और एक लाल गेंद होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहले वाले थैले में से हम लोग एक लाल गेंद निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में से एक लाल गेंद निकाल लेते हैं, हमें एक ही गेंद ना लाल निकाली है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, चार और बटा में टोटल गेंदों की संख्या नौ। अब दूसरे थैले की बारी आती है, तो दूसरे वाले में से हमें दो काली निकालनी होगी, तो काली गेंद कितनी है टोटल, उसमें सात है और टोटल गेंदों की संख्या दस है। तो अब दूसरी काली गेंद निकालेंगे तो अब गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या एक कम हो गई और टोटल गेंदों की संख्या भी एक कम हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, प्लस में मान लेते हैं कि पहले वाले थैले में से हम लोग काली गेंद निकालते, तो काली गेंद की प्रायिकता पांच बट्टा नौ और फिर गुना, मान लो दूसरे वाले थैले में से निकालते हैं तो एक अब काला और एक लाल, या एक लाल या काला निकाल लो, तो मान लो फिर पहला निकालते हैं काला निकल जाए तो उसकी दूसरे थैले में से सात बट्टा दस उसकी प्रायिकता हो जाएगी। और दूसरा गेंद अब हमें लाल निकालना है, तो लाल वाला गेंद निकालेंगे, तो लाल वाला गेंद निकालेंगे तो लाल वाला गेंद आपका तीन गो है और टोटल गेंद अब नौ गो हो गया, क्योंकि वो अभी निकाले थे ना जी। फिर प्लस मान लेते पहले वाले थैले से हम लोग निकालते हैं पहले वाले थैले से एक काली गेंद, तो पांच बटा नौ उसकी प्रायिकता। अच्छा, और फिर अब दूसरे वाले थैले से एक पहले लाल निकाल लेते हैं फिर काला, तो लाल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी तीन बटा में दस, लाल एक गेंद निकालिए तो अब काली गेंदों की संख्या सात बच गई और सात काले गेंदों की संख्या सात है, लेकिन टोटल गेंदों की संख्या एक कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक लाल गेंद पहले निकाल दिया है। ठीक है, तो हमें कंडीशन के अनुसार ये हमारा पूरा फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा 28 में 6 से गुना कर दे तो 28 छके कितना हो जाएगा यहाँ पर 168 और बट्टा में 81 या 81 के ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 105 बट्टा में 810 और यहाँ भी आपका हो जाएगा 105 बट्टा में 810। चलिए इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दो ये 105 210 और प्लस में 168 यानी आ जाएगा यहाँ पर 378 और बट्टा में 810, 54 से कट जाएगा सात बार में और ये
15 बार में, यानी कि 7/15 इसकी प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या करें, एक थैला जिसमें 2 सफेद 3 लाल 5 हरी और 4 काली गेंदे हैं, 2 गेंद बारी बारी से यदि छह बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है, दोनों निकाली गई गेंदों के भिन्न भिन्न रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग ये निकाल लें कि दोनों गेंदे एक रंग की ही हों, उसकी प्रायिकता है ना, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक थैला में 2 सफेद यानी इसको W से सूचित कर देते हैं, 3 लाल यानी कि R से सूचित कर देते हैं, 5 हरी इसे ग्रीन से जी से सूचित कर देते हैं, और 4 काली यानी कि B से इसे सूचित कर देते हैं गेंदे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, बारी बारी से निकाला जाता है और दोनों के भिन्न भिन्न रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम लोग अगर एक ही रंग के होने की प्रायिकता, दोनों के एक ही रंग के होने की होने की प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं, एक ही रंग के होने की प्रायिकता हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो एक ही रंग का होना यानी कि पहला वाला रेड वाइट होगा मान लो, ठीक है, और दूसरा वाला भी वाइट हो जाए, ठीक है, दूसरा वाला भी वाइट हो जाए, फिर लाल लाल हो जाए, हरा हरा हो जाए, काली काली हो जाए, उस तरह से। तो देखिए, पहला अगर मान लो सफेद है तो उसकी प्रायिकता 2/2 में टोटल गेंदों की संख्या 14 है, देख लो जोड़ लो इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या 14 है। तो मान लो पहला लाल निकल गया तो फिर उसको उसमें रखेंगे नहीं, फिर दूसरा अगला गेंद निकालेंगे तो वो भी लाल निकलने की प्रायिकता 1/13 हो जाएगी, 1-1 कम हो जाएगा। मान लो पहली बार में हम लोग निकालें और हमें निकाली गई गेंद लाल मिल गई तो उसका 3/14 है ना जी, और अब फिर से निकालते हैं लाल निकल जाए तो उसकी प्रायिकता 2/13 प्लस, फिर उसके बाद 5 हरी है तो हरा निकल जाए तो उसकी प्रायिकता 5/14, फिर 4/14 हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, ठीक है, हरा निकलने का प्रायिकता। फिर अगर हम लोग काली गेंदों की बात करें तो पहली गेंद काली हो तो 4/14 और गुना में हो जाएगा यहाँ पर 3/13। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ कट जाएगा 1/7, यहाँ 7/2 आएगा, तो 1/91, 3/91, 10/91 और 6/91, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 20/91। तो यहाँ पर दोनों के भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न रंग का होना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो एक में से एक ही रंग वाला घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा यहां से 71/91, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए और बी बारी बारी से 2 पासे फेंकते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आए अंकों का योग 9 प्राप्त करता है तो वह जीत जाता है, जो पहले ऊपर आए अंकों का योग 9 प्राप्त करेगा वह जीत जाएगा। ए शुरू करता है तो दिखाइए कि ए और बी के जीतने के प्रायिकताओं का अनुपात जो है यहाँ 9:8 होगा, समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ठीक है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, ठीक है, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, ठीक है, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर उसके बाद 5-1, 5-2, 5-3,
पाँच 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 चार पाँच 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 छः, छः एक छः दो छः तीन छः चार छः पाँच छः छः, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर हम लोग बात करें कोई जीतता है उसकी प्रायिकता, यानी कि योग हमें नौ प्राप्त होना, योग नौ प्राप्त होना, तभी ना जीतेगा। तो नौ देखो कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है, देख लो कितने जगह पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर तीन छः एक हो गया, यहाँ पे दो है ना, दो तीन चार, चार बट्टा में छत्तीस, यानी कि चार नौ छत्तीस, एक बट्टा में नौ इसकी प्रायिकता हुई, योग प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा योग नौ प्राप्त ना होना, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो एक माइनस एक बट्टा नौ, यानी कि आठ बट्टा में नौ। मान लेते हैं कि ए जीत जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए का जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए का जीतना, इसका प्रायिकता क्या होगा? तो मान लो पहली बार वो पासा दो बार फेंकता है तो वो जीत जाता है, तो इसकी प्रायिकता एक बट्टा नौ है, क्योंकि योग नौ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा मान लेती पहली बार में वो नहीं जीतता है, यानी कि उसका योग नौ पहली बार फेंकता है और वह उसे नौ नहीं प्राप्त होता है ना, योग नौ नहीं प्राप्त होता। तो जब इसे नौ योग नहीं प्राप्त होता है, जब इसे नौ योग प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी प्रायिकता आठ बटा नौ होगी। अच्छा बी अब की बार अब कौन फेंकेगा? बी फेंकेगा, और बी फेंकेगा तो उसको योग नौ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग ए के जीतने की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता आठ बटा नौ। और इस बार फिर हम ए फेंकता है तो उसकी आठ नौ योग प्राप्त हो, यानी एक बटा नौ, ठीक है। फिर प्लस उसी तरह से आठ बटा नौ, पहली बार में ए को योग नौ नहीं प्राप्त होता है, तो अच्छा तो अब दूसरी बार बी फेंकेगा तो उसको भी योग नौ नहीं प्राप्त होता है। फिर तीसरी बार आपका ए फेंकता है और दूसरी बार ए फेंकता है और उसको, ये पहली बार हुआ दोनों का, और फिर अब ए दूसरी बार फेंकता है उसे योग नौ नहीं प्राप्त होता तो आठ बटा नौ। फिर अब बी फेंकेगा उसको भी आठ बटा नौ, योग नौ नहीं प्राप्त होगा। तो अब की बार फिर ए फेंकता है तीसरे बार में और इसे नौ योग प्राप्त होता है, एक बटा नौ उसकी प्रायिकता। ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेंगे। यहाँ से हम लोग एक बटा नौ निकाल देते हैं, तो यहाँ अंदर हो जाएगा एक प्लस आठ बटा नौ का स्क्वायर प्लस आठ बटा नौ का पावर चार, यहाँ डॉट 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 कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो हम लोग जीपी में जानते हैं अनंत पदों का योग ए बाई में वन माइनस का आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक बटा नौ इंटू में क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस का, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आर का मान आ जाएगा, यानी कि आठ बटा नौ का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, एक बटा नौ ठीक है, और गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक बटा एक माइनस का चौसठ बटा में इक्यासी, एक बटा नौ गुना में एक बटा, नीचे एलसीएम हो जाएगा इक्यासी, इक्यासी माइनस का चौंसठ, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर एक बटा नौ गुना में इक्यासी बटा में, यहाँ पर इसमें से घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर ग्यारह में से चार गया आपका कितना हो जाएगा सात, और यहाँ पर बच गया आपका सात में से छः गया एक सत्रह, ठीक है। तो नवा इक्यासी, यानी कि नौ बटा में सत्रह, ठीक है। तो ये आपके ए के जीतने की प्रायिकता हुई, और बी के जीतने की प्रायिकता, बी का जीतना इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बी का जीतना एक माइनस का ए के जीतने की प्रायिकता, घटा देंगे तो आपका यहाँ पर आठ बटा में सत्रह। तो दोनों के प्रायिकता का अनुपात क्या है, ए का जीतना और बी का जीतना, और बी का जीतना, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो इसमें इसे भाग कर देंगे तो 9 अनुपात 8 ही ना हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांसर के नाम के साथ। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।